एयरटेल में आपका स्वागत है, मैं कैसे कर सकता हूँ? सो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि आप एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कैसे कर सकते हो। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपकी कॉल एयरटेल के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगी, आप उनसे बात कर पाओगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व करा पाओगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में डायल पैड को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों आप 198 पर कॉल करेंगे। दोस्तों, ये एयरटेल के कस्टमर केयर नंबर है। अब मेरे को पता है काफी लोगों को ये नंबर ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों ने इस नंबर को डायल भी किया होगा एंड उनका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ होगा। इसका रीजन ये है कि आपको की नहीं पता होता है। यहां पे जब हम इस नंबर को डायल करते हैं उसके बाद में हमें कुछ की प्रेस करना होता है, तब हमारा कॉल कनेक्ट होता है। तो यार, आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखो, सबसे पहले हम इस नंबर को डायल करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो कुछ भी बोलता है उसको सबसे पहले हमें सुनना है। जब पूरा बोल लेता है उसके बाद में हमें कुछ की प्रेस करना है, फिर हमारा कॉल एयरटेल के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखो, कब कौन सा की प्रेस करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो चलिए, इस नंबर को आप अपने एयरटेल सिम से ही डायल करेंगे। तो मैं इसको डायल कर देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर ऑप्टिक्स लाइन के लिए 2 दबाएं, पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। तो इस तरीके से ये जो भी बोलता है इसको सबसे पहले इस तरीके से पूरा सुनना है। अब दोस्तों, आपको 1 दबा देना होगा। इसके बाद में अब आपसे जो भी बोलता है फिर इसी तरीके से सुनो, फिर आपको कौन सा की प्रेस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये सुनने के बाद अब आप फिर से 1 दबा देंगे, फिर आप वेट करेंगे, जो भी बोलता है सुनेंगे। या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं, यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है तो 2 दबाएं, एसएमएस से संबंधित समस्या 3 दबाएं, दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं, पिछली सूची के लिए 7 दबाएं, मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं, हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो अब दोस्तों, आप यहां पर 9 दबा देंगे। जैसे हम 9 दबाएंगे आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका स्वागत है, मैं निकिता आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्कार मैम, बताएं। तो गाइज, अभी हमारी कॉल एयरटेल के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो चुकी है, अब आप इनसे बात करना, बट मेरे को कुछ ऐसा बात करना नहीं है, जस्ट आपको दिखाना था। तो अभी यहाँ पर मैं कॉल को एंड करते हैं करके एंड यहाँ से मैं बैक चले आता हूँ। ओके, सो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। सो गाइज, इस तरीके से आप एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड गाइज चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।